मित्रों नमस्कार। आप जानते हैं आज महीने का आखिरी दिन है, मतलब 31 अगस्त। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अविभाजित भारत में एक लड़की का जन्म होता है, जो बाद में अमृता प्रीतम के नाम से पूरे विश्व में ख्यात होती है। आज हम उनके जन्मदिन पर एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कमलेश कुमार कोहली जी उपस्थित हैं। कमलेश जी, आपका हार्दिक अभिवादन कि धन्यवाद। आपने इस शॉर्ट नोटिस के साथ भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। अमृता प्रीतम जी के साथ आपका जो आदर है उनके प्रति, जिस तरह का स्नेह भाव है, या जितने आपने काम किए हैं, मुझे लगता है यह उसी की पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत आप आज हमारे साथ हैं और उन पर बातचीत करेंगे। मित्रों, कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान शरद दत्त जी भी उपस्थित हो रहे हैं। उनका भी अमृता प्रीतम जी के साथ लंबा साहचर्य रहा है। वे संगीत और फिल्मों के जानकार हैं और वे शीघ्र ही हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम कमलेश कुमार कोहली जी को सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप की इस एक बड़ी लेखिका को वे किस रूप में देखते हैं, और उनसे उनकी किस तरह की बातचीत हुआ करती थी, और उनसे संबंध उनके किस तरह के थे। मित्रों, मैं बतला दूं कि कमलेश कुमार कोहली जी ने उन पर एक नाटक का भी निर्माण किया है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम कमलेश जी से अमृता प्रीतम जी के लेखन और उनकी शख्सियत के बारे में उनकी राय को सुनते हैं। आदरणीय कमलेश कुमार कोहली जी। धन्यवाद अर्पण जी। मित्रों, मैं कोई करीबी दोस्ती का दावा अमृता जी से नहीं कर सकता, लेकिन उनका लेखन, उनकी जितनी सोशल लाइफ थी यहाँ पे दिल्ली में, जितनी साहित्यिक लाइफ थी, उससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। और सबसे बड़ी बात, पंजाबी के मेरे फेवरेट कवि हैं शिव बटालवी, और अमृता जी ने शिव बटालवी को बिरहा दा सुल्तान, बिरहा का सुल्तान का दर्जा दिया था। तो मैंने अमृता जी को हमेशा आदर भाव से देखा है, लेकिन कभी मित्रता नहीं हुई। अमृता जी का जो काम था, जो उनका दिल्ली में रुआब था, जो उनका दबदबा था, एक साहित्यकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं बहुत इम्प्रेस था। कभी शायद और मित्र रहे, कृष्णा सोबती जी के यहाँ मैं जाता आता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अमृता जी के यहाँ गया नहीं। तब तक जब तक मैंने शिव बटालवी पे कुछ काम करने की नहीं सोची, तो मैंने एक दिन फ़ोन किया कि मैं कैमरा लेके आपको कैमरा पे इंटरव्यू करने आना चाहता हूँ। तो अमृता जी बीमार चल रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपके फेवरेट कवि पे बात करनी थी। तो बोले कि देखो कि मैंने जो कुछ कहना है कैमरा पे, वो वही है जो पब्लिक डोमेन में मेरी बातें हैं। तो मुझे भी लगा कि ये ठीक नहीं होगा, कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और मैं ज़िद करूं। लेकिन मैं अमृता जी से इतना नज़दीक नहीं हुआ रियल लाइफ में, उनके लेखन के नज़दीक था। मैं उनकी पोइट्री पढ़ता था, उनकी कहानियाँ पढ़ता था, उनके किस्से पढ़ता था, और उनकी पोइट्री में जो इंटेंसिटी है, जो पंजाब की रूह है, और पंजाबी के वो नुआंसेस भाषा के जो हैं, वो बहुत कम लेखकों में मिलते हैं। पंजाब में बारिश के बाद शिव में मिले, अमृता जी में मिले। तो जो इमेजरी है, जो मेटाफर्स हैं जो अमृता जी ने इस्तेमाल किए हैं, वो बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो मैं एक स्टेज पर जाके कोहली साहब,
एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। हमारे साथ शरद दत्त जी उपस्थित हो गए हैं। शरद जी आपका स्वागत है, और अभी कमलेश जी का वक्त अभी चल रहा है, तो हम पुनः कमलेश जी के पास आते हैं। कमलेश जी माइक को कृपया म्यूट कर ले। शरद जी अपने माइक को कृपया म्यूट कर ले। शरद जी माइक फुल है, माइक तो फुल है, अरे आवाज नहीं आ रही। शरद जी अपनी माइक को कुछ देर के लिए म्यूट कर लें कृपया। म्यूट कर लो। आवाज नहीं आ रही भाई, इधर हम माइक फुल कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। म्यूट, म्यूट, खामोश। यस जी बोले कमलेश जी प्लीज। जी अमन जी, तो मैं वह ये कि मैं अमृता जी के अंतिम दिनों में ये सब बातें हुई, और फिर अमृता जी चली गई। मेरे एक मित्र थे सुरेश कोहली, जिन्होंने अमृता जी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और अमृता जी के बहुत करीब थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया भाई कि मैं अमृता जी पे नाटक करना चाहता हूँ। मुझे इमरोज बहुत इम्प्रेस करते थे, इमरोज मुझे कोई एक सूफी लगते थे, तो इस नाते से मैं इमरोज के पास गया ये कहने के लिए कि मैं अमृता जी पे नाटक करना चाहता हूँ। जी तो इमरोज जी ने कहा भाई अब क्यों नाटक करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं अमृता को कमर्शलाइज कर देंगे। मैंने कहा इमरोज मैं कमर्शियल काम कोई करता नहीं हूँ, मेरा ये पैशन है, एंड मैं क्योंकि अमृता जी के जीते हुए वो ट्रिब्यूट नहीं दे पाया जो ट्रिब्यूट मैं अपने नाटक के द्वारा देना चाहता हूँ। अभी कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने ये जायज़ समझा कि मैं उनकी इजाज़त लूँ इससे पहले कि मैं शुरू करूँ। बहरहाल ही वॉज वेरी हैप्पी, घर में बिठा के उन्होंने मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाई, अमृता जी की किताबें दिखाई, अमृता जी के किस्से सुनाए, कैसे कि भाई वो सब्जी काट लेती मैं फुलके बना लेता, या वो फुलके बना लेती और मैं सब्जी काट लेता, मतलब टोटल उनका जो एक मेडिटेशन टाइप था अमृता जी को लेके इमरोज का। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए, चलते हुए उन्होंने मुझे अपनी पोइट्री की किताब दी इमरोज ने। अब मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा कि अमृता, अब मैंने सोचा मैं अमृता प्रीतम का रोल किससे करूँगा, तो मैंने दीप्ति नवल को कांटेक्ट किया। दीप्ति नवल ने कहा बिल्कुल आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि अमृता जी के ने तो मेरी पहली पोइट्री की किताब छपवाई थी। 6-8 महीने हम लगे रहे, दीप्ति को स्क्रिप्ट दी, 2 बार स्क्रिप्ट दी, लेकिन दीप्ति को 1-2 फिल्म मिल गई तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा उन्हें अपना काम करने दो, उनके पास स्टेज के लिए टाइम नहीं है। फिर मैंने पूनम ढिल्लन को कांटेक्ट किया। पूनम ढिल्लन दिल्ली आई एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड, और तब तक मेरा स्क्रिप्ट दानिश इकबाल ने लिख दिया था। प्रोफेसर दानिश इकबाल जो रेडियो पे थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखा अमृता जी के प्ले को लेके, और हमने उसे कहा अमृता इज सबलाइम लव स्टोरी, एक रूहानी आत्मकथा। तो अब जब मैं शुरू करने लगा तो इमरोज जी को फिर कुछ थोड़ा सा वो हुआ, उन्हें कहा कोहली रहने दो इसको। मैंने कहा रहने देते हैं, हमने छोड़ दिया। 2 साल हमने वो प्ले नहीं किया, और जबकि पूनम ढिल्लन बॉम्बे में वेट कर रही थी कि हम रिहर्सल शुरू कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था कि फलां तारीख से हम बॉम्बे में आपके साथ रिहर्सल करेंगे, उसके बाद दिल्ली के एक्टर्स के साथ आप कंबाइंड रिहर्सल लास्ट में कर लेंगे। जब मैंने पूनम ढिल्लन को ईमेल भेजा कि ये प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि इमरोज जी राज़ी नहीं है, तो वो बेचारी बड़ी अपसेट हुई, बोली ऐसा क्यों है। बहरहाल फिर 1-2 साल रुकने के बाद हमारी एक मित्र हैं डॉक्टर लवलीन थडानी, जो लेखक भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं,
एफटीआई पुणे से हैं, तो उनसे बात हुई तो वो लवलीन जी की अमृता जी की नेबर भी थी और बचपन से उन्हें जानती थी। उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, मैं इमरोज से बात करती हूँ। बहरहाल हमने इमरोज जी को फिर बुलाया, उन्होंने कहा हाँ करो, कोई इशू नहीं है। अब इस दरमियान मैंने सोचा कि जब हमने इतना कुछ किया है तो सच्चू को भी बुलाते हैं, सच्चू जैसा कौन डिज़ाइन करेगा। तो मैंने सच्चू को बेंगलोर फ़ोन किया कि आप आ जाओ और इस प्ले को आप डायरेक्ट करो। तो सच्चू आए और फिर हमने धीरे धीरे करके वो प्ले किया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर में भी उसको किया, बेंगलोर में रंगा शंकर में भी किया, चंडीगढ़ में भी किया, सोनीपत में भी किया, बहुत सारी जगह ये प्ले किया। और इस तरह से और इमरोज़ जी हमारे साथ रहे, यहाँ तक कि जो स्क्रिप्ट हमने बनाया वो मैंने इमरोज़ जी को भेजा कि आप इसे वेट कर लीजिए, देखिए कोई हम ऐसी बात तो नहीं कह रहे जो ठीक नहीं। और इमरोज़ जी ने अपने हाथ से हमारी स्क्रिप्ट को करेक्ट किया। जी कमलेश जी, जो चीजें उस स्क्रिप्ट में इमरोज़ जी ने करेक्ट की, कृपया उसके बारे में भी कुछ बताएं। नहीं, वो ज्यादा नहीं था, हमें साहिर को लेके थोड़ा सी एप्रिहेंशन थी कि हम कोई ऐसी बात ना कह दें जो इमरोज़ जी को अच्छी ना लगे। और लेकिन इमरोज़ बड़े दिल के थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें खुद बताएं। जैसे हमारे वहाँ पे एक लाइन है कि एक उन्होंने किताब लिखी थी साहिर ने, आओ कोई ख्वाब बुने, और उसकी इलस्ट्रेशन के लिए कवर डिज़ाइन के लिए उन्होंने इमरोज से रिक्वेस्ट की थी। तो बोले कि वो मुझे दिया, तो मैंने अमृता को कहा साहिर के लिए कि साला सारी ज़िंदगी ख्वाब बुनता रहा, ख्वाब बना नहीं किसी का। ये इमरोज़ जी का बयान उस औरत के लिए है जिसके लिए वो जान देते थे। मतलब कितना बड़ा दिल होगा कि वो अमृता जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि उन्हें इस बात पे साहिर से थोड़ी थोड़ा नाराज़गी तो नहीं कहे, थोड़ा हल्का सा कुछ वो था कि भाई जब तू अमृता को प्यार करता था तो तेरे में इतनी हिम्मत क्यों नहीं बना कि आओ कोई ख्वाब बुने। अरे तू उसका ख्वाब बना क्यों नहीं। यहीं पर कुछ ऐसी बात भी है कि उनके जीवन में, साहिर लुधियानवी के जीवन में कोई और भी आ गई थी, ऐसा भी कुछ है साहिर के जीवन में? देखिए ये बात तो अमृता जी ने लिखी है, बड़े ओपन लिखी है कि एक दिन अमृता जी ने साहिर को फोन करने, क्योंकि 6-7 साल कोई कम्युनिकेशन नहीं था, जो अमृता जी ने अपने लेखन में लिखा है सुनेड़े जिस पे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो जब उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड की खबर मिलती है वो कहती है कि मैंने ये इस अवार्ड के लिए तो नहीं लिखा था, जिसके लिखा था उसको तो ये बात पहुंची ही नहीं। और आप चाहें तो मैं चंद लाइनें उसकी स्क्रिप्ट में से आपको सुना देता हूँ। जी जी, पंजाबी में कविता में से है। जी जी। ए रात सारी तेरे ख्यालां च गुजार के, ए रात सारी तेरे ख्यालां च गुजार के, हुणे हुणे जागियां सत्ते बहिश्तां उसार के। ये रात मैंने तेरे ख्यालों में गुजारी है, ऐसे लगता है जैसे कि सातों जो बहिश्त हैं, जो सारे स्वर्ग हैं, वो मैं पार कर रही हूँ। एक रात जीकण रहमतां दी बदली वर्दी रही, एक रात तेरे वादियां नूं पूरियां करती रही। वो ऐसी रात थी जैसे रहमत की बरसात हो रही हो, जैसे कृपा मेरे ऊपर बरस रही हो और वो तेरे वादों को पूरी करती रही।
पंछियां दी डार बन के ख्याल कोई आंदे रहे, होठ मेरे सा तेरी दी महक नूं पींदे रहे। पंछियों की डार बन के ख्याल आते रहे मुझे एक के बाद एक, और जो मेरे होठ थे वो तेरी खुशबू को पीते रहे, तेरी महक को पीते रहे। अब उनका थोड़ा सा डिप्रेशन चालू होते हैं। बहुत उच्चियां हन दीवारां, बहुत उच्चियां हन दीवारां, रोशनी दिसदी नहीं, रात सुपने खेड दी है, होर कुछ दसदी नहीं। बहुत ऊंची दीवारें हैं, कोई रोशनी का मंजर नहीं है, और रात जो है वो केवल स्वप्न दिखाती है, वो सच नहीं होता, ये सपने हैं जो मैं देख रही हूँ। हर मेरा नगमा जिवें मैं खत कोई लिख दी रही, हर मेरा नगमा जिवें मैं खत कोई लिख दी रही, हैरान हाँ एक सत्तर भी तेरे तक पुजदी नहीं। मेरा हर नगमा जो है, जो हर कविता है, वो जैसे मैं तुझे खत लिखती रहती हूँ, और मैं हैरान हूँ कि उसकी एक भी लाइन तुम तक नहीं पहुँची। ये अमृता की वो पीड़ा थी जो 7 साल साहिर से कोई कम्युनिकेशन नहीं था, साहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अमृता एक दिन उन्हें फ़ोन करने के लिए जाती है पब्लिक बूथ पे, फ़ोन घुमाती है, सडली वो फ़ोन जहाँ पे है दुकान पे ब्लिट्स पड़ा होता है, और ब्लिट्स में खबर मिल लिखी होती है कि साहिर को ज़िंदगी की नई आस मिल गई, और वो सुधा मल्होत्रा का जिक्र होता है। तो अमृता लिखती हैं कि मेरे हाथ हवा में ही ठहर जाते हैं, वो फ़ोन नहीं करती और लौट आते हैं। तो ये वैक्यूम जो पैदा होता है अमृता की ज़िंदगी में, साहिर जा चुके हैं, इमरोज़ धीरे धीरे एंटर कर रहा है, लेकिन अमृता के दिमाग में दुविधा है कि इमरोज़ मेरे से छोटा है, क्या ये जायज़ होगा, वुड इट बी प्रॉपर। फिर वो यही सवाल अपने आप से करती हैं कि ये जायज़ होगा, लेकिन खुद ही जवाब देती हैं जो अब तक हुआ क्या वो जायज़ था। तो ये कहानी ऐसी खूबसूरत है कि ये जैसे सैकड़ों साल पहले हीर रांझा हो गए, तो ये न्यू हीर है। आज की हीर अगर देखो जो इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक ले जाती है, इंसान के प्यार से परमात्मा के प्यार तक ले जाती है, ये वो कहानी है। अमृता और इमरोज का इश्क कोई साधारण इश्क नहीं है, वो रूहानी इश्क है। और इमरोज अक्सर ये बात कहते हैं कि आपने औरत के साथ सोकर तो देखा होगा, आप औरत के साथ जाग कर देखिए। तो जब इस लेवल के दो इंटेलेक्चुअल, दो बड़े, इमरोज अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, आप देखिए कि शमा, और उसमें उस वक्त वो इलस्ट्रेशन करते थे, गुरुदत्त ने उन्हें मुंबई बुलाया अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, वहाँ चले गए, फिर वापस लौट आए क्योंकि अमृता नहीं चाहती थी कि वो मुंबई रहें। तो ये ऐसी खूबसूरत कहानी है कि हम कोई नाटक नहीं कर रहे थे, हम सच में उन्हें एक ट्रिब्यूट दे रहे थे, और वो ट्रिब्यूट जो है वो क्योंकि हमारा माध्यम नाटक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो हमने समझा कि नाटक से बेहतर क्या हो, तो हमने ये इसलिए किया। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित बातचीत रही, आगे भी हम आप तक आते हैं, मगर एक चार लाइनें में आपको अमृता की इश्क प्रेम कैसे हीर को इश्क था उसके बारे में चार लाइनें अमृता जी की आपको सुनाना चाहूँगा। नजर दे आसमान तो तुर गया सूरज किते, नज़र के आसमान से सूरज कहीं चला गया है,
चंद च पर ओस दी खुशबू अजे आंदी पे, चंद्रमा पर अभी भी ओस की खुशबू आ रही है। रल गई सी इस विच एक बूंद तेरे इश्क दी, इसलिए मैं उम्र दी सारी कुर्तन पी ली, इस सब में तेरे इश्क की एक बूंद मिल गई थी, और उस इश्क की एक बूंद की वजह से मैं जिंदगी की सारी कड़वाहट पी गई। ये अमृता है। शुक्रिया जी कमलेश जी हमसे बने रहे, और अभी हम इस बीच शरद जी के पास चलते हैं, शरद जी को सुनते हैं और फिर हम पुनः आप पर लौटते हैं। मित्रों, शरद जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं, और फिल्मों पर और संगीत पर, उनके इतिहास पर इनका खास लेखन रहा है। खास तौर से ये लगातार उन विधाओं में लिखते रहे हैं। केएल सहगल पर कोई प्रामाणिक जीवनी लिखी है किसी ने तो वे शरद दत्त जी। शरद दत्त जी लंबे समय तक दूरदर्शन के साथ जुड़े रहे, और अमृता प्रथम के साथ भी इनके कुछ संबंध है, इनका साहचर्य है। तो हम सर्वप्रथम शरद जी से यही निवेदन करते हैं कि वे कृपया अमृता प्रथम को लेकर उनकी अपनी क्या दृष्टि है और किस तरह की भेंट मुलाकात रही, इस पर कुछ बात करें। शरद जी, ऐसा है अर्पण जी कि मेरी अमृता प्रीतम शायर विद्यानी और धर्मवीर भारती से मेरा परिचय हुआ था मेरे यूनिवर्सिटी डेज में, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उस वक्त मेरी जो पीढ़ी थी जिसमें मेरे जैसे युवा थे, वो तीन चीज़ों के दीवाने थे उस वक्त। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, शायर की परछाइयाँ, और अमृता पर जो हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए थे। तो मैंने वो सब पढ़े, और एक अच्छे पाठक होने के नाते मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी इन तीनों लोगों से मिल पाऊंगा। तो धर्मवीर भारती से मेरी मुलाकात हमारी बिल्कुल भावी थी पद्मा सचदेव। तो धर्मवीर भारती जब भी दिल्ली आते थे तो उन्हीं के घर में ठहरते थे, और अमृता जी का और मेरा घर बंगाली मार्केट में आमने सामने था। तो धर्मवीर भारती से मिलने की मेरी आरजू पूरी हो चुकी थी, और उसके बाद मैं धर्मवीर भारती से कई बार मिला उनके घर पे। फिर साहिर लुधियानवी से मुझे मिलवाने का श्रेय जाता है मेरे स्वर्गीय दोस्त रईस मिर्ज़ा को, कोहली साहब भी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, और क्योंकि वो सोवियत इंफॉर्मेशन सेंटर में काम करते थे, वहाँ सभी प्रोग्रेसिव राइटर्स आते थे। और रईस मिर्ज़ा के सौजन्य से मुझे जिन लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें से ख्वाजा अहमद अब्बास, सरदार जाफरी, कृष्ण चंद्र और कई लोग ऐसे थे, लेकिन साहिर से मेरी मिलने की आरजू अभी बाकी थी। तो 70 के दशक में एक दिन मुझे रईस मिर्ज़ा का फ़ोन आया कि तुम साहिर से मिलना चाहते थे, साहिर दिल्ली में हैं और आज वो सोवियत लैंड अवार्ड रिसीव करेंगे। तो मैं ऑडिटोरियम में पहुंचा तो फंक्शन शुरू हुआ, साहिर साहब ने पुरस्कार लिया। उसके बाद रईस मिर्ज़ा मेरे पास आए, मैं ऑडियंस में बैठा था, उन्होंने कहा कि तुम्हें शाम को 7 बजे साहिर साहब ने होटल में बुलाया। तो मैंने कहा मुझे तो कोई निमंत्रण है नहीं, तो मैं कैसे अनइनवाइटेड आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, साहिर साहब से मेरी बात हो चुकी है। इतने मैं क्या देखता हूँ कि रईस गए, और थोड़ी 2 मिनट बाद वो साहिर साहब को लेके आए, और साहिर साहब ने मुझे पंजाबी में कहा तो शामी 7 बजे मुलाकात होगी जनपद होटल की। तो मैं 1 घंटे का वक्त मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल था, शायद जनपद होटल में ठहरे हुए थे जो मेरे ऑफिस के बहुत करीब था, और 212 नंबर का कमरा था। ठीक 7 बजे मैंने उनके कमरे की घंटी बजाई तो अंदर आवाज़। शरद जी 1 मिनट, माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे कोहली साहब, प्लीज माइक को कोहली साहब म्यूट कर लेंगे प्लीज। जी 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 हाँ शरद जी प्लीज। मैं जनपद होटल के रूम नंबर 1212 के बाहर खड़ा था, मैंने घंटी बजाई तो अंदर से शायद साहिर साहब की आवाज़ आई, आ जाइए। दरवाज़ा खुला, मुझे अब भी याद है, मैं बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है तस्वीर कि साहिर साहब और रईस मिर्ज़ा सोफे पे बैठे थे,
और प्रकाश पंडित और अपना साबिक दर वो नीचे कालीन पे बैठे हुए थे। तो साहिर साहब मुझे मिल ही चुके थे एक घंटा पहले, तो मैंने कहा उनसे कहा कि साहब मेरी आज जो तमन्ना है 30 साल बाद पूरी होगी आपसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रईस मुझे आपके बारे में सब बता चुके हैं। लेकिन वो शायर पंजाबी थे, लुधियाना के थे, तो वो पंजाबी में ज़्यादा बात करते, हालांकि वो अंग्रेज़ी भी बोलते थे, हिंदी में भी बोलते थे। तो इतने में मैं क्या देखता हूँ कि एक महिला उस कमरे में आती है बुजुर्ग, और शायर खड़े होकर उनसे कहते हैं अम्मी जी मेरी इस नौजवान नाल आज ही मुलाकात हुई है, मेरा नवा दोस्त बने दिल्ली से। इसका मतलब है कि मेरी आज अम्मी जी इस नौजवान से मुलाकात हुई है और ये आज ही मेरा नया दोस्त बनाया दिल्ली में। और उसके बाद मैंने उनको उठ के आदाब किया तो वो भी चली गई कमरे में। उसके बाद हम चारों थे, इतने में फिर घंटी बजी तो एक साहिब साहब ने कहा कि आ जाओ बादशाह दरवाज़ा खुला है, बादशाह आ जाओ दरवाज़ा खुला है। तो मैंने देखा कि एक सरदार जी अंदर आए और उनके पीछे एक आदमी था जिसने बिस्की का ग्रेट पकड़ रखा था, और उन्होंने कहा ये आपको कर्नल मोहन ने आपके लिए भेजा। तो सरदार जी ने उनसे कहा कि आप वहाँ रख दीजिए मेज पे। उसके आधे घंटे बाद बिस्की के दौर शुरू हुए। मैं उन दिनों नया नया उस फील्ड में था तो मुझे बड़ी कुछ हेजिटेशन भी थी कि मैं साहिर साहब के सामने बैठ के पी सकता हूँ या नहीं पी सकता। खैर वो अच्छी शाम थी, शाम क्या वो देर रात तक मैं उनके साथ रहा। मैंने उनसे बताया कि मुझे आपकी परेशानियाँ कॉलेज के दिनों में पूरी याद थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उसके बाद साहिर साहब जब भी दिल्ली आते तो मुझे फ़ोन करते, मैं उनको होटल में मिलता, चाहे वो नरूला में ठहरे हों या जनपद में ठहरे हों, जहाँ भी ठहरते थे। और वहीं पे अपना मैं बम्बई में जाता था, तो मैं भी कोशिश रहती थी कि मैं उनके फ़ोन करता था, तो कहते तुम शाम को घर आ जाओ। तो मैं उनके परसाइयाँ वाले घर में भी गया, वहाँ भी मेरे मतलब बहुत शायर जो थे उनके बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल वो था, और दूसरा ये था विरोधाभास था उनकी शख्सियत में, लोग उनके बारे में बहुत ऐसी फटपटी बातें करते हुए। तो भैया जब शायर साहब से खुल गया तो मैंने उनसे कुछ बातें साफ कही, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो तुम अभी बहुत मुझसे 25 साल छोटे हो, मैं तुम्हें नसीहत देता हूँ कि इन गैर जिम्मेदार बातों पर यकीन न मत करो, अपना खुद का दिमाग और दिल इस्तेमाल करो। तुम मेरे बारे में सोचते हो मेरे लिए ये ज़्यादा मानी रखता है बजाय कि फलाने ने आप मेरे बारे में कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल माहौली बातें। तो साहिर साहब से मैंने बात हुई, अमृता जी का भी 2-3 बार जिक्र हुआ। तो उसके बाद एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं होटल में था तो इतने में उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप 7 बजे आ जाइए। शायद उस वक्त 6:30-7:30 का टाइम था। तो साहिर साहब ने कहा शरद तुम ऐसा करो कल सुबह आओ, हम ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। तो मैंने उनसे इजाज़त ली और मैं नरूला होटल की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो मैंने देखा कि इमरोज और अमृता जी सीढ़ियों पे ऊपर आ रहे हैं और इमरोज के हाथ पे एक पैकेट था। तो मैं सुबह जब साहिर साहब के होटल गया तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, तुमने नाश्ता किया था। तो मैंने पूछा कि आप, मैंने उनको शरतन पूछा कि आपकी शाम की मुलाकात ठीक ठाक रही। तो मैं देख रहा था कि कमरा जो था अभी हाउस सर्विस वालों ने साफ नहीं किया था, तो 3 ग्लास पड़े हुए थे। तो साहिब साहब ने कहा कल शाम को एक अजीब बात हो गई, मैं दूध का चांद है, दूध का चांद का गीत लिख रहा था और एक गीत पे मैं बड़ा अटका हुआ था, कल रात को मैंने गीत मुकम्मल कर दिया और मैंने अमृता को भी रात को फ़ोन करके बता दिया कि मैंने ये कल रात लिखा है, वो गीत था मेरे हाथों खाली जाम। उसके बाद अमृता प्रीतम से मिलने की आरज़ू भी बाकी थी। मेरे एक दोस्त थे देवेंद्र,
जो पंजाबी सेक्शन में आकाशवाणी में अमरता जी के साथ बहुत सालों काम कर चुके थे, वो काफ़ी मतलब खामोश से आदमी थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी तकरीबन हर चीज़ में थी। आप उनसे बात कर सकते थे किसी भी चीज़ पे, आप उनसे पेंटिंग के बारे में बात करिए, नॉवल के बारे में बात करिए, बायोग्राफीज के बारे में बात करिए। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि देवेंद्र, आप तो अमरता जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे आप उनसे मिलवाइए, कहें मैं वक्त ले लूँगा और हम चलेंगे अमरता जी के घर। तो फिर मैं अमरता जी से रूबरू पहली बार मिला उनके घर पे। फिर इत्तफाक से 1982 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, उन दिनों पूरे दूरदर्शन बिल्कुल जैसे कहते हैं नेक डीप उसमें था, एशियन गेम्स की तैयारी में, और मेरा उन दिनों एशियन गेम्स सेल में था। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया मेरे डायरेक्टर का कि शरद तुम आओ, तुमने तुमसे ज़रूरी बातें करनी। कुछ गया तो कहने लगे ऐसा है कि ममता प्रीतम को भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है और रात को फिल्म जाएगी, क्योंकि वो हमारा अंग्रेज़ी इसका स्लॉट है, तो फिल्म कोशिश करो कि अंग्रेज़ी में उसकी कमेंट्री हो। तो फिर मैं ममता जी से मिल चुका था कई बार, इमरोज से भी मेरी मुलाकातें थी। तो मैं ममता जी से मिलने गया, मैंने कहा ममता जी जिस दिन आपको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलेगा मुझे एक डॉक्यूमेंट्री करनी है आप पे। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर करिए। तो मैंने कहा देवेंद्र मेरे साथ वो रहेंगे, और तो उन्होंने कहा ठीक है आप कितने दिन की शूटिंग करेंगे। मैंने कहा देखिए कम से कम 3-4 दिन तो लग जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं 5 दिन आपको देती हूँ। तो मुझे याद है जब हम क्रू के साथ उनके घर गए, तो हाँ एक बात मैं कहना चाहता था कि जब उनसे बातें कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि अमरता जी आप साहिर के बारे में बोलेंगे इस प्रोग्राम में, इस डॉक्यूमेंट्री में। उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू टॉक अबाउट साहिर। तो ये बात मुझे बड़ी वो लगी कि अमरता जी तो शायद इस बात पर नाराज़गी ना हो जाती। तो जिस दिन हम गए, जैसे हमारे उनको फ़ोन पे बता दिया था कि आज हम 4-5 घंटे शूटिंग करेंगे आपके घर पे, तो हमने जैसे ही उनका जो चाय वाय पहले पी लो, मैंने कहा नहीं हमें 10-15 मिनट तो क्रू में लगे हुए कैमरा सेटिंग करने में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ठीक है तुम कर लो तब तक चाय आ जा आ गई। तभी इमरोज ने कहा कि आप 5 मिनट रुक सकते हैं। मैंने कहा हम तो तैयार हैं बिल्कुल, आप 5 मिनट रुक जाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। इतने में देखा कि नौकर जो है वो एक मिठाई का डिब्बा और एक नारियल लेके आया। तो इमरोज ने कहा कि आज अमरता पे दूरदर्शन डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो इसका मुहूर्त होना चाहिए। तो इमरोज ने ही वो नारियल फोड़ा और सबको मुँह मिठाई कराया, उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। तो उन दिनों मैंने अमरता जी को बहुत करीब से जाना, जिस दिन शूटिंग होता मैं उसके हम चाय वाय बातें करते थे, कल क्या आज जो रिकॉर्ड हुआ है उसको कल क्या बोलना है। तो फिर एक दिन मैंने उनसे जिस दिन साहिर की बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहिर को तो मैं लाहौर से जानती थी, क्योंकि साहिर भी उन दिनों लाहौर में थे और अमरता भी वहीं थी। तो साहिर उन्होंने देखा और साहिर ने उनको देखा, तो जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट कह लीजिए या ये कह लीजिए कि दोनों आर्टिस्ट थे, वो राइटर थी ये राइटर पोइट थे। तो वो मुलाकातें उनकी होती रही, लेकिन उनकी एक जो बहुत अहम मुलाकात हुई वो हुई अमृतसर के पास, एक गुरबख्श सिंह थे प्रीत लड़ी के नाम से उनकी पत्रिका आती थी और वो हिंदी उर्दू में अखबार भी निकालते थे, उर्दू संस्करण के एडिटर साहिब। उन्होंने उसमें एक मुशायरा कंडक्ट किया जिसमें कई शायर आए और हिंदी पंजाबी के भी थे, अमृता भी उसमें कविता पढ़ने आई थी। तो साहिब और वो काफी अरसे बाद मिल गए थे वहां पर। उन्होंने कहा कि साहिब से कहा कि हम लोग मिलते रहेंगे, मैं दिल्ली में हूँ, ये मेरा नंबर है।
उसके बाद कोहली साहब ने अभी बात कही थी आओगे आप बने, तो ऐसे ही वो शूटिंग साहिल वाला एपिसोड खत्म हो गया। तो हम लोग चाय पी रहे थे तो इमरोज ने कहा कि अमरता साहिल लुधियाना का था, लुधियाना शहर जो है वो हौजरी के लिए बड़ा मशहूर है, इसलिए उसने अपनी किताब का उन्वान रखा आओ बने क्योंकि इज ए बीबर। तो अमरता जी ने उसको बड़े उससे देखा और उससे कहा कि इमरोज नॉट एनी मोर। तो मैंने देखा कि उनके बेडरूम सेपरेट थे और इमरोज का कमरा अलग था जहाँ उनका स्टूडियो था, हमने वहाँ भी शूटिंग की। उन दिनों इमरोज एक अमृता कई ए पेंटिंग बना रहे थे, उस पेंटिंग में हमने शॉप लिए, फिर अमृता जी लिख रही हैं बैठी हुई किचन में हैं कर रही हैं सब। तो बाद में एक दिन जब फिल्म टेलीकास्ट हो गई, वो 82 की बात है, तो उन दिनों ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि आप अगर फिल्म नहीं देख पाए किसी वजह से, तो शायद अगले दिन भारतीय ज्ञानपीठ वालों का ही फंक्शन था, अमृता जी वो फिल्म देख नहीं पाई। तो उन्होंने देवेंद्र को फ़ोन किया कि शरद से कहो कि मैं फिल्म, तो मैंने कहा देवेंद्र उनको कहो कि उनको दूरदर्शन आना पड़ेगा, आप वहीं पीटीआर रूम में दिखाएंगे। क्योंकि तो अमृता जी उस वक्त इतनी नामी गिरामी शख्सियत थी। तो अगर आवाज थोड़ी सी ऊंची हो सके, थोड़ी सी ऊंची हो सके आवाज जी। तो अमृता जी ने डायरेक्टर ने उनको रिसीव किया और उनसे कहा कि डायरेक्टर मैं और हम सब लोगों ने बैठ के फिल्म देखी। तो उसके बाद जब हम आए उनके कमरे में डायरेक्टर के, तो हम चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझे पेट पे आता कहेगा कि शरद यू डिड ए गुड जॉब, लेकिन इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में क्यों थी। मैंने कहा जी वो स्लॉट अंग्रेजी स्लॉट है, इंग्लिश न्यूज़ के बाद आता है तो इसलिए अंग्रेजी में करनी पड़ी। मुझे अब भी याद है उस प्रोग्राम का नाम था डेट विद यू अमृता, डेट विद अमृता प्रीतम, उसका पहला शॉट ही शुरू होता है अमृता प्रीतम के नेम घर के बाहर उनके नाम से, वहाँ से कैमरा एंटर करता है रूम पर जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी आपको एक VHS कॉपी बनवा के भिजवा दूँगा। तो फिर वो VHS कॉपी देने में गए, तो उसके बाद अमृता जब भी उनके कोई गेस्ट आते तो उनको फिल्में दिखाती थी, तो इस तरह वो मेरा उनसे वो रहा। और एक दिन साहिर ने के बारे में इमरोज ने पूछा कि अमृता मुझ में और साहिर में क्या फर्क है, तो अमृता ने कहा कि देखो तुम मेरे लिए छत हो और साहिर मेरे लिए आसमान है। मैं समझता हूँ कि इससे इस बात में सब कुछ आ जाता है जी। और इमरोज को उसका माकूल जवाब भी मिल गया। और जिस दिन अमृता जी का देहांत हुआ 2005 में, वो मुझे फ़ोन आया और एक दोस्त का भी, उसने कहा कि इमरोज ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया, 4-5 दोस्तों को बुलाया कि शरद जी को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जब उनके क्रीमेशन में गए तो सिर्फ चंद लोग थे। उसके बाद अमृता जी का वो घर भी टूट गया, वो अब ग्रेटर कैलाश में उन्होंने फ्लैट बना में रहते हैं जिसमें इमरोज भी वही रहते हैं, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर अपना स्टूडियो बना रखा है। तो इस तरह अमृता जी की शख्सियत एक ऐसी थी कि क्योंकि मैं तो कॉलेज दिनों से उन पर यूनिवर्सिटी डेज से दीवाना था, तो मेरे पास उनकी तकरीबन हर किताब जो हिंदी में अनुवादित थी वो सारी थी। तो मैं जब भी उनके घर जाता था तो 2-3 किताबें लेके जाता और उनसे साइन कर लेता था, जो आज भी मेरे पास एक विरासत की तरह। जी तो अमृता पुरस्कार मिलने वाली वो सबसे पहली महिला थी, और उसके बाद उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित की गई, वो राज्यसभा की मेंबर भी रही वो। लेकिन अमृता जी टोटली डेडिकेटेड टू हिज राइटिंग एंड आई कैन से ही वाज
डेडिकेटेड टू साहिल आल्सो। लेकिन कोहली साहब ने जो सुधा मल्होत्रा का जिक्र किया, तो सुधा मल्होत्रा के बारे में, सुधा मल्होत्रा ने की शादी बहुत रईस आदमी से होगी, उसने कहा कि ऐसा था कि मैं साहिल साहब की बेपनाह इज्जत करती हूँ, थी, लेकिन ये एक तरफा मामला था, मुझे मालूम नहीं था कि साहिल साहब मुझे इतना मुकरते हैं। क्योंकि एक गीत है जो फिल्म दीदी का है, जिसमें वो तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह कह तुमको, उस फिल्म का संगीत किसी और म्यूजिक डायरेक्टर में का है, लेकिन ये धुन मेरे खास रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर से कि ये धुन सुधा मल्होत्रा बनाएंगी, और सुधा मल्होत्रा ने उनकी बेहतरीन गजलें गाई। और हालांकि अनिल विश्वास से मेरे बड़े संबंध थे, अनिल विश्वास उनको इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन फिर सुधा मल्होत्रा वो शादी के बाद उनका गाना वाना पीछे रह गया, और फिर वो अब एक अच्छी जिंदगी को कर रही हैं। लेकिन साहिल साहब की और अमरता की बातों से मुझे ये लगता था कि उन दोनों में जो जुबान थी उस वक्त वो खामोशी की जुबान थी, बहुत सी बातें वो बिना कहे एक दूसरे को कह देते थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस होटल उस शाम को जब अमरता और इमरोज चले गए 11:30 बजे, उसी रात उन्होंने गीत लिखा दूध का चांद था, तो मैं समझता हूँ कि ये अमरता प्रीतम और कोहली साहब तो उससे सीनियर भी हैं, हमारे एक दोस्त भी हैं, और ये उन्होंने अमरता जी और उससे जो प्ले किया वो प्ले भी मैंने देखा था, और ये फैज पे भी प्ले कर चुके हैं कई ऐसी थी, और एक नशिश चलाते हैं ये दिल्ली में, जिसमें मुझे भी इन्होंने खाक सार को भी 2-3 बार मौका दिया वहाँ आने का, और जब मुझे पहली बार नेशनल अवार्ड मिला तो कोहली साहब ने उसका एक फंक्शन किया, वो बहुत उसमें मेरी फिल्मों की एक पहले छोटी सी रील दिखाई गई, उसके बाद उन्होंने मुझे बस सम्मानित किया शाल बॉल से। तो कोहली साहब मुझसे क्योंकि सीनियर हैं, वो ये उनसे प्ले कर चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त कुछ ज़्यादा शायर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल शायर की जीवनी लिख रहा हूँ जिस्म की मौत के नाम से, और वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ने मुझे कमीशन की है जो जल्दी राजकमल प्रकाशन से हिंदी में आएगी, तो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो उर्दू में छापेगी और पंजाबी तर्जुमा उसका पंजाब से छपेगा और बाद में वो अंग्रेजी में भी आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा जिक्र क्योंकि बात आज अमृता जी के जन्मदिन की है, और अमृता जी का जिक्र और शायर का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती। शुक्रिया शुक्रिया शरद जी इस अपने इन अनुभवों को हमसे शेयर करने के लिए, और इस प्रेम त्रिकोण में जिस तरह की गहराई है, जिस तरह का आध्यात्मिकता का जो एक फुट आता है, जिसकी चर्चा कमलेश जी भी कर रहे थे, वह अपने आप में अनूठा है, उल्लेखनीय तो है ही अनूठा भी है। तो हम वापस कोहली साहब की ओर आते हैं, और मुझे लगता है कि अभी ऐसी कई चीजें हैं इस नाटक से भी जुड़ी हुई भी जो इन्होंने बनाई है, द सबलाइम लव स्टोरी ऑफ अमृता, जो जिसकी चर्चा की कोहली साहब ने, और जिसके मंचन देश के अलग अलग हिस्सों में और विभिन्न प्रांतों में भी हुए, तो और भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अभी कोहली जी हमसे साझा करना चाहेंगे। कोहली साहब, अमृता और साहिल पे तो फीचर फिल्म की भी बात चल रही है बहुत अच्छे से, वो शायद अब साइन भी हो रही है, तो आमिर खान शायद जो रोल करेंगे। बहुत बार सुनते हैं ये, लेकिन ये है कि आप फिल्म इंडस्ट्री को मेरे से बेहतर जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जब तक उसमें कोई कमर्शियल हाइप ना हो, जब तक उसकी फाइनेंशियल रिटर्न सिक्योर ना हो, तो अमृता और साहिल और इमरोज और साहिल के दोस्त पेंटर हरकिशन, ये आपके हमारे लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हमारी ज़िंदगी उन दोनों के बारे में बात करते ही कट सकती है, लेकिन आवाम को इस कहानी में वो जो बॉय मीट गर्ल वाली कहानी कोई बना नहीं पाया, कोशिश भी नहीं की।
बहुत लोगों ने कहा कि हम फिल्म बनाएंगे, हम ये करेंगे, वरना आप तो कि साहिब जैसा बड़ा प्रोग्रेसिव राइटर जब फिल्मों में लिखता है तो इज नॉट ए मियर फिल्म लिरिसिस्ट, उसने फिल्म लिरिसिस्ट की तरह नहीं लिखा, उसने एक खूबसूरत बड़े पोइट की तरह लिखा। और बहुत गाने हैं लेकिन पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई चंपई अंधेरा, चंपई उजाला है, सुरमई अंधेरा है। अब ये देखिए कि ये जो इमेजरी है, ये वो जिसे प्रोग्रेसिव में नारेबाजी वाला, ये देखिए ये वही शायर है। और फिल्म लिरिसिज्म को एक ऊंचा स्टेचर देने में शायर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि शायर की एक एक गीत जो फिल्मों में है वो प्रोग्रेसिव राइटिंग की उसकी परछाइयाँ और ताजमहल से कहीं कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है। जो बहरहाल अब अमृता जी के हवाले से बात करें तो जितनी बातें मुझे सुनने को मिली, इमरोज जी से मिली, आज भी फेसबुक पे मेरे पेज पे एक पुरानी मेमोरी डाली है। एक रोज मैं इमरोज जी के साथ हैबिटेट सेंटर में एक दोपहर को, जाड़ों की दोपहर थी, धूप में एक कुछ प्रोग्राम देख रहे थे हम, तो एक यंग लड़का लड़की बैठे हैं और वो आपस में थोड़ा झगड़ रहे हैं। प्रोग्राम खत्म होता है, इमरोज मुझे कहते हैं देखा के एक बेवकूफ लड़के को देखो। ये मैं इमरोज की डिवोशन की बात बता रहा हूँ कि कैसे सिर्फ अमृता ही नहीं, टोटल वुमन काइंड की तरफ उसकी जो डिवोशन है। कहता देखो ये लड़की थोड़ा लेट हो गई है और ये बेवकूफ आदमी बजाय के जो वक्त मिला है उसे एंजॉय करे उसको नहीं। तो इमरोज का जितनी, तो मैंने इमरोज से ये सवाल किया, मैंने कहा इमरोज जी आपके स्टूडियो में तो जितनी सरफेसेस हैं उस पर अमृता की फोटो है, इलस्ट्रेशंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आपसे कोई बात करो तो बात घूम फिर के अमृता पर ही आती है, हम किसी और विषय में बात करें। तो इमरोज का बहुत खूबसूरत जवाब था, हैट्स ऑफ हिम। वो कहते हैं कोहली साहब क्या मेडिटेट करने के लिए एक बिंदु काफ़ी नहीं होता? वो एक बिंदु अमृता उनके जीवन है। आज इमरोज 93 वर्ष के हैं, 94 के हैं, मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं, लेकिन इमरोज और कोई बात करना भी नहीं चाहते, करते भी नहीं, और करते हुए चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। तो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा आपका इतना फासला उम्र में और आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ? बोले नहीं। मैंने कहा उसकी वजह? बोले कोहली अगर आप हैरान होंगे अगर मैं आपको कहूँ, हमने कभी क्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, अमृता ने मुझे कभी नहीं कहा क्यों और मैंने उसको कभी क्यों नहीं कहा। तो ये क्यों शब्द का इस्तेमाल एक दो शख्सियत के बीच में ना होना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो छोटी सी बात पे पहले पूछते हैं क्यों नहीं है, शरद आप लेट आए क्यों वक्त पे नहीं आए, शरद आप साइड पे काम कर रहे हैं आप इमरोज पे क्यों नहीं कर रहे, क्यों हमारी ज़िंदगी का तकिया कलाम है। लेकिन एक कपल इतने ड्रामेटिक लाइफ लीड करने के बाद भी वो कहीं पे क्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो मैं समझता हूँ जो एक सबलाइम लव स्टोरी बनती है, एक रूहानी आत्मकथा प्रेम की बनती है, वो तभी बनती है जब हमारे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी अटूट हो और हमारी आस्थाएं भी एक जैसी हो।
तो ये हमने अमिता जी और इमरोज जी के किस्सों में सुना। मैं दो लाइनें पढ़ूंगा। इमरोज जी ने कहीं लिखा है, पांच दरियाओं की बेटी, धरती के की फुलवारी के सारे रंग जोड़कर बहते पानी जैसी नज़में लिखती रही जिंदगी के कागज पर। ये आप देखिए कि मैं जहां से भी अमृता को देखता हूं, कुछ कनेक्शन की समस्या आ रही है, उम्मीद करता हूं कि वो जी तो 19 हैं जी जी हाँ आ रही है आवाज आ रही है, बीच में कुछ यात्री उपन्यास को दिक्कत आई थी, अभी आ रही है। यात्री उपन्यास उन्होंने लिखा था और उसमें एक काल्पनिक पात्र थी सुंदरा रानी जो सुंदरा होती है। तो जी तो एक बार वो इमरोज से कहती है कि आप इसको पेंट करो, तो इमरोज कहते ठीक है कि तुम इसका मुझे टाइटल बना दो, मैंने इसका तर्जमा छपाना है। तो कहते अच्छा तुम नरेट करो कहानी और मैं पेंट करता जाता हूँ। तो आप तसव्वुर कीजिए कि इमरोज कैनवस लेके खड़े हैं और अमृता बोल रही है, यात्री उपन्यास मैंने 1968 में लिखा था, उसकी पात्र सुंदरा बिल्कुल काल्पनिक थी, पर जाने क्यों उसे चित्रित करते हुए मेरी आंखें भर भर आती थी। फिर भी कुछ दिन पहले जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो रहा था तो सुंदरा अचानक ऐसे मेरे सामने आई जैसे वो मेरा अचेतन अतीत हो। चूंकि खुद को मैंने चेतन तौर पर सुंदरा में नहीं ढाला था, इसलिए कई वर्षों तक नहीं पहचान पाई थी, पर जब कुछ दिन पहले उसे ध्यान से देखा तो अपनी हर एक चीज पहचान में आ गई। नावल में सुंदरा जब मंदिर में जाकर ये बोलते बोलते वो साहिर के तसव्वुर में चली जाती हैं, शिव और पार्वती के चरणों पर फूलों की झोली उलटती है, तब फूलों के ढेर के नीचे से बांह फैलाकर अपने प्रिय के पैरों को छूना चाहती है। मुझे लगा ये तो मैं थी, ये अमृता नरेट कर रही है, मुझे लगा ये तो मैं थी जो अनेक वर्षों तक एक चेहरे की इस प्रकार कल्पना करती रही कि अक्षर ही अक्षर फूलों के ढेर की भांति अंबार लगा दिए। दरअसल अक्षरों के नीचे से हाथ बढ़ाते हुए मैं किसी पत्थर को इस तरह छूना चाहती थी कि किसी को पता न चले। फिर नावल में जब शरीर पर विवाह का जोड़ा और नाक में सोने की नथ पहने वो मंदिर में अपने प्रिय को अंतिम प्रणाम करने आती है तो आंसू ढलक कर उसकी नथ के तार पर अटक जाते हैं, मानो नथ की आंखों में आंसू भर आए। तो ये समूची मैं थी, मेरे हर छाप छल्ले की आंखों में इसी तरह आंसू भर भर आते हैं। ये अमृता है, ये उसका एक्सप्रेशन है प्रेम साहिर के प्रति, कैसे वो अक्षरों के अंबार, फूलों के ढेरों का उपमा है अक्षरों के अंबार से, और कैसे फूलों के ढेर के नीचे से वो अपने प्रिय के पांव छूना चाहती है, तो ये अक्षरों के अंबार के नीचे से उस पत्थर को, साहिर को वो यहाँ पत्थर कहती है क्योंकि 7 साल उसे जी बहुत ही संवेदनपूर्ण
अंश अभी आपने यहां पर रखे कोहली जी, और जिस तरह से आपने अमृता प्रथम जी की रचनाओं को और उनके जीवन को महसूसा है वह हम यहां पर आपके मुख से सुन रहे हैं। उन अनुभवों को हम साक्षात महसूस कर रहे हैं जिनसे आप गुजरे हैं। थिएटर के प्रति आपका यह समर्पण ही है और अमृता प्रीतम के लेखन और जीवन के प्रति जिस तरह का आपका जिस तरह की आपकी उत्सुकता रही है उस कारण से ही मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण नाटक इस तरह का बन पाया। अब मैं एक सवाल आपसे यह भी करता हूं, क्योंकि इस नाटक का मंचन देश के कई राज्यों में और कई शहरों में हुआ है और भारतीय जो साइकी है, जो इंडियन साइकी है, जो उसके अवचेतन में ये कहानियां अमृता प्रीतम की आत्मकथा, रसीदी टिकट, उनकी कविताएं, उनके उपन्यास आदि बिल्कुल गहरे समाये हुए हैं, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में। स्वयं उनके एक उपन्यास पिंजर का खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, उस पर बाद में फिल्म भी बनी। तो इस तरह वह एक किंवदंती जैसे भी बन जाती हैं जिनसे आप दोनों जुड़े रहे हैं। तो जब आप यह नाटक कर रहे थे और इसके मंचन हो रहे थे तो दर्शकों के बीच की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उनमें से एक आध दो कुछ रोचक अनुभव हो तो बताएं। जी बोलिए। मुझे ये मालूम है कि इमरोज जी को मैंने चार बार पहले चार शो में रोज स्टेज पे बुलाया। वो आदमी जो डरते थे कि कहीं कुछ कमर्शलाइजेशन ना हो जाए अमृता के नाम का, वो इतने एंथुजियास्टिकली हमारे साथ जुड़े कि वो दोस्तों को लेके आते, दिखाते नाटक। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आए सिर्फ ये कहने के लिए कि अमृता और इमरोज और साहिर की ये कहानी जिस खूबसूरती से पेश की आप लोगों ने, तो हमने कहा इसमें हम एक छोटे से नाटक में 90 मिनट में हम इतनी बड़ी कहानी नहीं दिखा सकते, इतना बड़ा साहित्य है उनका, उसमें हम साहिर की नज़में और इसके अलावा कैरेक्टर हैं। एक इनके दोस्त से सज्जाद जो लाहौर से आते हैं, तो अमृता उसके बारे में क्या कहती है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सज्जाद एक बड़े खूबसूरत दोस्त थे लाहौर से, कोई रोमांटिक एंगल नहीं था, तो वो जब भी अमृता को कोई तकलीफ होती वो लाहौर से दिल्ली आ जाता और दिल्ली आके वो अमृता के साथ रहता। तो इसमें भी वो आता है और अमृता उसके बारे में जिक्र करती हैं। मैं आपसे सज्जाद और अमृता, सज्जाद के बारे में अमृता कहती हैं, देखिए दोस्तियां कैसी थी, प्री पार्टीशन किया है, उससे परिचय विभाजन से पहले हुआ था। सब मुलाकातों में केवल सज्जाद ही ऐसा था जिसके नाम के साथ ही दोस्ती का लफ्ज़ आंखों में जलमा जाता था। जब वो लाहौर में मिलने आता था तो एक अदब उसके साथ सीढ़ियों पर चढ़ता था, फिर फसाद शुरू हो गए, सारे दिन कर्फ्यू रहता, जब कर्फ्यू खुलता भी तो वो ज़रूर आता। 23 अप्रैल मेरी बच्ची का पहला जन्मदिन था, जन्मदिन मनाने का होश किसे था, शाम को दरवाजे पर खटका हुआ, सज्जाद केक बनवा कर लाया था। फिर बंटवारे के बाद मैं देहरादून में थी, सज्जाद के खत आते रहे, उन्हीं दिनों मेरे लड़का हुआ, मैंने नाम चुना नवराज, और सज्जाद ने मेरे बच्चे के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा नवी। फिर नवराज को बुखार आने लगा तो सज्जाद का ये खत आया,
मैं सारी रात दुआ करता रहा कि तुम्हारा बच्चा राजी हो जाए। अरबी कहावत है कि जब दुश्मन दुआ करता है तो ज़रूर कबूल होती है। इस वक्त दुनिया की नज़रों में मैं तुम्हारे दुश्मन मुल्क का हूँ, तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। देखिए, ये रिश्ते थे, ये इंसानी रिश्ते हैं। हम सब ने इमरोज़ का सुना है, साहिर का सुना है, हरकिशन का सुना है, इस सज्जाद के बारे में किसी ने नहीं सुना। ये दोस्तियाँ थी, मतलब साहिर से इश्क था, वो भी लाहौर में हुआ। लेकिन सज्जाद एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा अमृता के पास आता। जैसे एक जगह साहिर उसे ख़त लिखता है, मैं तुमसे मिलने हिंदुस्तान आ रहा हूँ, तुम बड़ी उदास लगती हो, मैं तुमसे उसकी बातें करूँगा जिसके लिए तुमने 7 बरस लिखी है। 7 बरस इनकी नज़रों में। वो आया और 18 दिन दिल्ली में रहा, रात को मरीना होटल और सारे दिन मेरे साथ। पहली बार मैंने जाना कि मेरा भी कोई दोस्त है, और ये भी जाना कि कविता इश्क के तूफान से नहीं, दोस्ती के शाद पानियों में से भी निकल सकती है। वाह जी, शुक्रिया कोहली साहब। अब हम वापस शरद जी की ओर आते हैं। शरद जी, कुछ और चीजें जो याद आ रही हो, हमारी एक दोस्त पूछ भी रही है कि साहिर और अमृता के साथ की बातचीत या अमृता साहिर जी को लेकर किस तरह की बात कर रही थी, आप तो कई दिनों तक उनके पास जाते रहे, या और भी कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो अभी शरद जी? नहीं, देखिए, मैं क्योंकि फिल्म संगीत मैंने बड़ा सीरियस काम किया और मैंने इस सिलसिले में कोई 3 दर्जन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई संगीतकारों पे, और मैंने इसी श्रृंखला में शायद जाह्नवी, शैलेंद्र, मजरून सब पे लेख भी लिखे जो मिलेनियम पोस्ट में हर संडे को छपते थे। तो शायर जिस वक्त प्यासा बन रही थी तो प्यासा के पोस्टर्स बनाने के लिए रूई इमरोज़ जो थे वो शमा और सुषमा के इलस्ट्रेटेड थे, दोनों उर्दू हिंदी मैगजीन के, तो वहाँ वो स्केचेस बनाते थे कहानी और पोएम्स के ऊपर। तो गुरुदत्त ने उसको जब वहाँ बुलाया तो तब तक उसको ये मालूम नहीं था कि इस फिल्म के गीत शायर लिख रहे, और मैंने आप बताया उसका पोस्टर गुरुदत्त ने उनसे बनवाया इमरोज़ से, और अपनी अगली फिल्म का पोस्टर भी उनसे बनवाया जो फिल्म बनी नहीं, फिर इमरोज़ दिल्ली आ गए। लेकिन साहिर और इमरोज़ का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन साहिर और अमृता का जो रिश्ता है वो तो अमृता की जीवनी अगर आप पढ़ें रसीदी टिकट तो उसमें वो साफ अमृता कहती है कि एक दिन मेरे एक बेटे ने मुझसे पूछा, मम्मी क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ, तो उसने कहा कि काश तुम साहिर के बेटे होते। तो ये बातें जो हैं ये कहीं आपको झंझोड़ के रख देती हैं कि वो ये सिर्फ अमृता ही कह सकती है, क्योंकि विभाजन ने दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया पार्टीशन ने, और अमृता ने तो एक जो बारिश या एड्रेस करके नज़्म लिखी आज़ाद खान बारिश शाह, तो वो तो उनकी अमर रचना बन गई। और शायर ने परछाइयाँ में वॉर एंड पीस का जो सारा कंसेप्ट है तो उसमें भी विभाजन का भी जिक्र आता है, उसमें पीस का मैसेज भी आता है, उसमें रोमांस भी आता है। जो लड़की जो है उससे कहती है कि तुम जाके मेरे भाई को ढूंढो, और वो जाता है और कहता है कि मैं हर जगह देख रहा हूँ तुम्हारा भाई मुझे मिला नहीं, और तुम्हारे घर में इतनी खुशियों का इंतजार था, मैं उसको कैसे कहूँगी वो नहीं रहा। इस तरह की बातें जो हैं, और परछाइयाँ एक बहुत ही लंबी उनकी वो है, और मेरे ख्याल में तलखियाँ के बाद वो भी उतनी पॉपुलर हुई, उतनी बेस्ट सेलर रही,
और शायर को मैं कहता हूँ कि मुकम्मल गीतकार थे, क्योंकि वो वॉज अ लिरिसिस्ट पोएट, या पोएट लिरिसिस्ट कह सकते हैं, जो आला दर्जे के पोएट भी थे और इतने अमूल दर्जे के वो फिल्मी गीत भी लिखते थे। और उन्होंने, मुझे याद है कि चित्रलेखा के जब गीत लिखे तो उसमें उनके दो एक गीत था मन रे तू काहे ना धीर धरे, उसमें उन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। और बहुत से लोग कहते थे कि नहीं शायर के लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए कई, क्योंकि पंडित केदार शर्मा से मेरे अच्छे संबंध थे। मैं एक दिन के घर मुंबई में बैठा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपने चित्रलेखा जब 1941 में बनाई थी तो उसके गीत तो आपने खुद लिखे थे, उसमें आपका गीत बहुत लोग जाओ जाओ बड़े भगवान बने, इसमें शायर लिखते हैं रीमेक में संसार से भागे फिरते हो, तो वो भगवान को तुम क्या पाओगे, तो वो एक बिल्कुल फिलॉसफी भी है। और उसी ने वो दूसरा गीत उनका जो है वो दोनों वही शायर है जो प्यासा में लिखता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दूसरी तरफ वो लिखता है हम दोनों में अभी ना जाओ छोड़कर। तो वो एक मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं अमरता रची बसी थी, चाहे वो बाद में मिले नहीं या बीच में, चाहे सुधा मल्होत्रा का मैंने आपको बताया कि सुधा मल्होत्रा ने इससे बिल्कुल डिनाई किया, शायर साहब की इज्जत करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे ये वन साइडेड हो सकता है या हो भी सकता है कि सुधा मल्होत्रा की शादी हो गई, लेकिन अमरता को ऐसी कोई गुरेज नहीं था कि वो शायर के बारे में बात करने में झिझके या वो कहें। तो अमरता चेन स्मोकर थी ये आपको मालूम है, और अमरता प्रीतम ने जब शायर उनके घर आए और शायर भी चेन स्मोकर थे, उन्होंने जो आखिरी जलती हुई सिगरेट छोड़ी थी और उसी सिगरेट से अमरता ने एक सिगरेट जलाई, और उसके बाद वो कभी सिलसिला चलता रहा। उसने कहा कि मैं जब शायर की उस मैंने जली छोड़ी हुई सिगरेट को पिया तो मुझे लगा कि इस सिगरेट के थ्रू शायर मेरे सांसों में जा रहा है। अब ये बात कहना ये बहुत कभी आप सोच भी नहीं सकते ये बात। अमरता ने खुद एक नावल लिखा है, एक थी अमरता, हम एक अनिता, अनिता उसमें तीन करेक्टर हैं, सागर जो है वो साहिल है, अमरता अनिता है और एक रोज का है। लेकिन अमरता ने वो अब जैसे शायर एक ऐसे शायर थे जिन पे दो फिल्में बनी, प्यासा बनी और उसके बाद कभी कभी बनी, और दोनों का अमर संगीत था और दोनों में, और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये अमरता के लिए उन्होंने लिखी थी। और या तुम मुझे भूल भी जाओ तो हरकत उनको, ये उन्होंने सुधा मल्होत्रा के लिए लिखी। लेकिन हो सकता है कि सुधा की शादी होगी तो उन्होंने कहा कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा डिनाइल किया हो। लेकिन ये एक दिलचस्प बात थी शायर की ज़िंदगी में कि शायर ने जिन चार औरतों से इश्क किया उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं थी। उसके पहले दो इश्क जो हुए वो दो इश्क उसके हिंदू लड़कियों से हुए, दो इश्क जो थे उसके वो सिख लड़कियों से हुए, और उन पे उनका इतना असर रहा उन चारों उस इश्क का, उसकी मुकम्मल शायरी जो इसी के घूमती है। शायर ने मुझे खुद बताया कि जब मैं महेंद्र चौधरी जो उनकी पहली होती मोहब्बत, तो उन्होंने कहा कि उसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी होगी और वो जब उसकी डेथ होगी तो उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, और मैं जब उसके उसमें शमशान में गया और जब आखिरी बार मैंने उसका चेहरा देखा तो मैंने उसी रात आकर लिखी कि मरगट की जमी सरजमी, और उसके अंदर सारा जिक्र जो है वो, उसने कहा कि उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। फिर वर्षों बाद उसने धर्मपुत्र में गाना लिखा भूल सकता है भला कौन तुम्हारी आंखें। तो इस तरह आप अगर बिटवीन द लाइंस पढ़े तो उनमें महेंद्र का भी जिक्र आएगा, ईश्वर को का भी जिक्र आएगा, और अमरता को तो आना लाजमी है। बाद में फन और शख्सियत नाम का 650 पौने 700 पेज का एक वॉल्यूम
साबित दत्त ने एडिट किया था, उसमें तकरीबन सभी प्रोग्रेसिव राइटर ने लिखा और अमृता ने भी उसमें लिखा था, और अमृता ने उसमें जो साहिब को ट्रिब्यूट दी है वो लाजवाब है। तो ये है कि साहिर एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है और अमृता ऐसा ही हो रही है दोनों, कि वो साहित्य में भी वो रहेंगे और अपने रिश्तों की वजह से भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन इमरोज उनके साथ 40 साल तक रहे, लेकिन इमरोज उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। मैंने आपको बताया कि सेपरेट बेडरूम था, इमरोज का कमरा अलग था, अमृता का अलग था, वो एक ही छत के नीचे थे। वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उसने जब अमृता जी से पूछा तो उसने कहा कि इमरोज तुम मेरे लिए छत हो, साहिर मेरे लिए आसमान। तो इसमें सभी कुछ आ जाता है। तो अमृता और साहिर के बारे में तो बात बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन वक्त की भी वो रहती है कुछ। लेकिन मैं ऑलरेडी समझता हूँ कि कुछ बातें तो उन्होंने जो कोहली साहब से उनकी पोइट्री सुनाई वो बहुत दिलचस्प थी। हालांकि उसी उनको साहित्य अकेडमी वाली पुस्तक उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, एक तरफ पंजाबी टेक्स्ट है एक तरफ हिंदी है। तो मैं समझता हूँ कि हर जिसकी शायरी में कविता में शौक रखता है उसको किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आज क्योंकि अमृता जी का जन्मदिन है तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी भावांजलि हमारी हो ही नहीं सकती कि हमने अमृता साहिब को आज याद किया। शुक्रिया। कोहली जी कुछ जाते जाते कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप करना चाहें? कोहली साहब जी। जी मैं जी अमृता के जाने पर कल तक जिंदगी के पास एक दरख्त था फूलों फलों और खुशबुओं से भरा हुआ, और आज जिंदगी के पास जिक्र है मगर जिंदा जिक्र, उसी दरख्त का जो बीज बन गया और बीज हवाओं के साथ मिलकर उड़ गया पता नहीं किस धरती की तलाश में। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो जी आप दोनों का जी हार्दिक धन्यवाद कि आज इस अवसर पर आप लोगों ने समय निकाला और इतनी सुंदर बातचीत हो सकी अमृता जी के साहित्य पर केंद्रित और उनके जीवन से संबंधित कुछ बिंदुओं को हम लोग छू सके, उन पर कुछ नए सिरे से बात हुई और कुछ पुरानी चीजें भी पुनः ताजा हुई। एक आप कुछ शरद जी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ देना चाहें, कुछ कहना चाहें? नहीं, तो सोचता हूँ कि सब कुछ कहा जा चुका है जी। आप एक जो कविता है उनकी जी मैंने कहा अमृता सत्यम की जो एक, हाँ कोहली साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं आप कुछ कविता की बात कर रहे थे मैं। जी जी एक उनकी कविता है बारिश शाह से जो उनको संबोधित करती हुई पूरी कविता लिखी है, चाहिए आपको सुनना चाहिए? हाँ अगर वो पढ़ ले आप तो अच्छा हो। मैं अभी अभी हाँ तो वो एक अद्भुत कविता है, अगर हम उसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। अगर मुझे आज बारिश साथ से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। जी आप सुनाए कोहली जी। जो थोड़ी सी याद है। हाँ हाँ जी जी अब अखा वारिस शाह ने किते कबरां विच्चों बोल ते आज किताबे हिजर दा कोई अगला वर का पोल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन आज लखा तियां रोंदियां वारिस शाह नु कहन उठ दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब उठ तक अपना पंजाब बेले न
ਸਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਤੋ ਵੱਡ ਮੁਝੇ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਅੰਤ ਕੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੋ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਹਿਜਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕਬਰ ਮੈਂ ਸੋਟ ਤਬ ਏਕ ਹੀਰ ਕੇ ਲੀਏ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿਆ ਤਾ ਔਰ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲਾਖੋਂ ਹੀਰੇ ਜੋ ਬਟਵਾਰੇ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਆ ਲਿਖ ਉਸ ਪਾਂਚ ਪਾਣੀਓ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਆ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਿ ਚਨਾਬ ਲਹੂ ਸੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਥੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜੇਬਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਤੇ ਥੇ ਔਰ ਰੋਤੇ ਥੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਕੋ ਗਾਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਹਲੀ ਜੀ मेरे पास यह कविता यह नज्म अभी है मेरे हाथ में तो मैं आप लोगों की अनुमति से इसको पूरा पढ़ लेता हूं हिंदी में जी, उसका जी, हिंदी में अनुवाद है तो इसके साथ हम लोग समाप्त करें जी। अमृता प्रीतम की यह कविता यह नज्म बारिश शाह से और जैसा कि कोहली जी ने कहा कि वे किस तरह इन दोनों ही देशों में समान रूप से उनकी रचनाएं लोकप्रिय रही हैं अमृता प्रीतम उन रचनाकारों में से एक हैं जो भारत पाक विभाजन पर भी काफी शिद्दत से बहुत कुछ लिखा है जिनकी रचनाओं में प्रेम के अलावा राजनीतिक निहितार्थ और उसकी समझ भी कई जगहों पर बहुत ही गहरे हमें दिखाई पड़ती है तो यह एक नज्म के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं बारिश शाह से आज बारिश शाह से कहती हूं अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो पंजाब की एक बेटी रोई थी तूने एक लंबी दास्तान लिखी आज लाखों बेटियां रो रही हैं बारिश शाह तुमसे कह रही हैं ऐ दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो चौपाल लाशों से अटा पड़ा है चिनाब लहू से भरी पड़ी है किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहर कहां तक आ पहुंचा फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी उसमें हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी नागों ने लोगों के होंठ डस लिए और डंक बढ़ते चले गए और देखते देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए हर गले से गीत टूट गया हर चरखे का धागा छूट गया सहेलियां एक दूसरे से छूट गईं चरखों की महफिल वीरान हो गई यहां पूरी सांस्कृतिक यात्रा का जिस तरह से या सांस्कृतिक विरासत का जिस तरह से क्षण होता है उसे भी हम देख सकते हैं महसूस सकते हैं चरखों की महफिल वीरान हो गई मल्लाहों ने सारी कश्तियां तेज के साथ ही बहा दी पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ तोड़ दी जहां प्यार के नगमे गूंजते थे वह बांसुरी जाने कहां खो गई और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए धरती पर लहू बरसा कब्रें टपकने लगी और प्रीत की शहजादियां मजारों में रोने लगी आज सब कैदी बन गए हुस्न इश्क के चोर मैं कहां से ढूंढ के लाऊं एक बारिश शाह और मैं कहां से ढूंढ के लाऊं एक बारिश शाह और
तो जी इस नज्म में, इस कविता में अमृता कहां कहां तक जाती है, और कविता की जो अपनी जो उनकी जो अपने जो उसकी कतरने हैं वे किस मुलायमियत के साथ यहां तक आती हैं, किस दर्द के साथ, उसे हम देख सकते हैं। अभी हमारे ही निकटवर्ती देश, हमारे ही पड़ोसी देश में जिस तरह से चीजें जो हैं वो बिगड़ रही हैं, लहूलुहान हो रही हैं अफगानिस्तान में, तो अगर उसको भी हम अभी केंद्र में रख कर देखें तब भी यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक बन पड़ती है। वहां जिस तरह की चीजें हो रही हैं और लोग या मानवीयता या मानवता जिस तरह से तार तार हो रही है, किसी को मारना जैसे कि बच्चे का खेल सा हो गया है, ऐसे में यह कविता पुनः हमें उतनी ही शिद्दत के साथ याद आती है और अपने आप को प्रासंगिक बनाती है। आप दोनों इस कार्यक्रम में आए, कमलेश कुमार कोहली जी और शरद दत्त जी, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद, और तमाम मित्रों का जो हमसे जुड़े रहे उन सभी का भी धन्यवाद। तो अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुक्रिया, शुभ रात्रि।